नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है चैनल में। हिंदवी स्वराज्य की स्थापना वैसे तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने की, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा विस्तार उनके पोते और संभाजी पुत्र छत्रपति शाहू महाराज के काल में हुआ। इसका कारण शायद यह हो सकता है कि शिवाजी महाराज और उनके बाद संभाजी महाराज, उनके बाद राजाराम महाराज और महारानी ताराबाई के सामने औरंगज़ेब जैसा बलाढ्य शत्रु था, लेकिन वहीं शाहू महाराज खुद औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद रिहा हुए थे और मुगलों के आपसी रंजिश ने शाहू को या कहें पेशवाओं को साम्राज्य विस्तार का मौका दे दिया। लेकिन आज हम उनके चरित्र या कार्यकाल का नहीं बल्कि उनके आखिरी दिनों का विवरण लेंगे। शाहू महाराज के आखिरी दिन बड़े ही कष्टप्राय थे और आंतरिक अशांति से गुजरे थे। इसी वजह से कभी भी बीमारी से ग्रसित ना होने के बावजूद 1743 के बाद शाहू महाराज की तबीयत अचानक से नासाज होने लगी। बड़ी महारानी सकवारबाई और छोटी महारानी सगुनाबाई के आपसी शीत युद्ध और कलह का शाहू महाराज की सेहत पर काफ़ी प्रतिकूल परिणाम हुआ। ये बात और है कि शाहू महाराज की मृत्यु के बाद बड़ी महारानी सकवारबाई सती गई, लेकिन ये शाहू महाराज पर अपने प्यार की वजह से नहीं बल्कि बरसों से चली आ रही परंपरा की वजह से हुआ था। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर सक्सेसफुल मर्द के पीछे एक रहस्यमयी औरत का हाथ होता है, ठीक उसी तरह वीरूबाई ने शाहू महाराज का मरते दम तक साथ दिया। हालांकि वीरूबाई शाहू महाराज की बिहाता नहीं थी, लेकिन दरबार वाले उन्हें महारानी से कम का दर्जा नहीं देते थे, जो पेशवाओं के कई पत्र व्यवहारों से भी पता चलता है। वीरूबाई के शाहू महाराज के जीवन में आने का किस्सा भी बड़ा अतरंगी है। उम्र के 25वें साल तक औरंगज़ेब की कैद में रहे शाहू महाराज की जब शादी हुई, तब मुग़ल बादशाह को नई नवेली दुल्हन को देखने की हवस जागी। लेकिन शाहू महाराज की माँ महारानी येसुबाई को ये कतई मंजूर नहीं था, तो उन्होंने एक चाल चली। शाहू महाराज के पत्नी की एक सुंदर दासी को शाहू महाराज की महारानी बनाकर मुग़ल सम्राट के सामने पेश किया। यही है वीरूबाई। उस दिन से लेकर अपनी अंतिम सांस तक वीरूबाई ने कभी भी शाहू महाराज का साथ नहीं छोड़ा। 1740 में उन्होंने आखिरी सांस ली और शाहू महाराज को दोनों महारानियों के कलह क्लेश में अकेला छोड़ गई। महाराज बड़े एकाकी और उद्विग्न हो चले थे। ऊपर से पुत्रहीन होने का शोक, घराने का वारिस और सत्ता का उत्तराधिकारी कौन होगा, ये भी प्रश्न लगा रहा था। इसी आंतरिक विलाप ने शरीर को और कमज़ोर करना शुरू कर दिया। छत्रपति शाहू महाराज जिस हाथी पर सवारी किया करते थे, वो उनका सबसे प्रिय हाथी था। नाम था गजराज मोती। कुएं में गिरकर जब उसकी मौत हुई, तो मानो ऐसा लगा कि एक एक कर सारे व्यक्ति शाहू महाराज का साथ छोड़कर जा रहे हैं और अब उनका भी समय जल्द आने वाला है। ऐसा कहा जाता है कि शाहू महाराज अपने अंतिम दिनों में भगवान से चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि भगवान, मुझे मौत क्यों नहीं दे देता। साम्राज्य का होता विस्तार और उससे बढ़ता कर्ज और उससे भी ज़्यादा दोनों महारानियों के बढ़ते झगड़ों ने शाहू महाराज का जीना मुहाल किया था। दरबार में शाहू का मन नहीं लगता था। अंतिम दिनों में शाहू सिर्फ पेशवाओं पर ही भरोसा करते और चाहते थे कि पेशवा उनके पास रहे। शाहू महाराज कभी भी भगवान को प्यारे हो सकते हैं ये जानकर साहूकारों ने लोगों से मनमाना और लगान वसूलना शुरू किया। खैर, जीवन भर अपनों से संघर्ष करने वाले शाहू महाराज का 15 दिसंबर 1749 को खुद से भी संघर्ष खत्म हो गया। शाहू नगर के रंग महल में उनकी आखिरी सांस ने आज़ादी ली। उम्र की 67वें साल में जीवन की डोर छोड़ने वाले शाहू अत्यंत मिलनसार और मृदु स्वभाव के थे। तभी तो उनकी मृत्यु पर जीवन भर उनसे बैर रखने वाली महारानी ताराबाई भी उनके अंतिम दर्शन के लिए सातारा गई। आगे का इतिहास अगले वीडियो में। धन्यवाद।